बाजार की चटपटी चीज खाने का किसे मन नहीं करता है ना, सभी का मन करता है, पर चाहे ऑर्डर करें या बाजार जाके खाएं, टाइम तो उसमें लगता ही है ना। आज घर में ही हम 10 मिनट के अंदर आप कैसे बना सकते हैं बाजार से भी बढ़िया, गारंटी ये रेसिपी बनेगी। तो स्टार्ट करें श्वेता। यस, तो अपेक्षा आज मैं इंग्लिश ओवन का बर्गर बन यूज करके आलू टिक्की बर्गर बनाने वाली हूँ। और पता है क्या, बच्चों के स्कूल भी खुल गए, वीकेंड भी स्पेशल हो जाता है, मजा आ जाती है सबको खाने के लिए। बिल्कुल, सभी का स्वागत है जायका का तड़का में। तो रेडी श्वेता? यस। हाय एवरीवन। अभिषेक, आपको पता है क्या होता है, बर्गर में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बट द मेन इंग्रेडिएंट इज अपना बन। जैसे बन ग्रेट तो बर्गर ग्रेट ही बनेगा, इसीलिए मैं इंग्लिश ओवन का बर्गर बन यूज करती हूँ। और अपेक्षा, इससे मेरे बर्गर इतने यम्मी और सुपर टेस्टी बन के आते हैं। तो स्टार्ट करें श्वेता। यस, तो उसके लिए मैंने 3 से 4 उबले हुए आलू लिए, अच्छे से उसको मैश कर दिया है, तो वो हम ले लेंगे इसके अंदर। तो अभी हम अपने पहले मसाले डालते जाएंगे, सब बेसिक मसाले। तो ये मैं डाल रही हूँ चाट मसाला, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, आमचूर पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स, अगर पसंद है तो आप डाल सकते हो, थोड़ा सा गार्लिक अगर आप खाते हो ऑप्शनल है, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू द टेस्ट, थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, इसमें मैं थोड़ा धनिया डालूंगी, और इसमें हम डालेंगे थोड़े से ब्रेड क्रम्स, उससे क्या होती है ना, बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। सो ऑलमोस्ट 2 to 3 टेबलस्पून में ब्रेड क्रम्स डालूंगी, और अभी हम इसको अच्छे से सब मैश करके उसकी टिक्की बना देंगे। और एट एनी गिवन पॉइंट आपको लगता है कि आपके आलू थोड़े सॉगी, तो आप और ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं। तो देखिए, दैट मीन्स मेरे ब्रेड क्रम्स अच्छे से है, एकदम बाइंडिंग देखो अच्छे से हो रही है। तो मैं हाथ में थोड़ा सा ऑयल ले लूंगी, और अभी हम अपनी टिक्की बनाएंगे। बड़ा सा इसका फिलिंग के लिए बॉल लेंगे, अभी इसको इतनी टिक्की बनाएंगे जितने अपने बर्गर में फिट होती है उसकी साइज की। तो मैं ऐसे बनाती हूँ, देखिए इसको प्रेस करके ऐसे, क्योंकि बाजार में श्वेता ऐसी मिलती है, राइट? आपको बिल्कुल बर्गर के साइज की मिलेगी। ये देखिए, देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना यहाँ पर। तो अभी हम क्या करेंगे ना अपेक्षा, सबसे पहले 2 टेबलस्पून ऑफ मैदा लेंगे, और 2 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर, एग्जैक्टली द सेम क्वांटिटी। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा हल्के से रेड चिली पाउडर, और हम इसमें धीरे से थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और उसकी स्लरी बना देंगे। तो पहले धीरे धीरे ही डालेंगे पानी, एंड मेक श्योर के कोई लम्स भी नहीं रहे, और अपनी स्लरी मीडियम होनी चाहिए, नॉट वेरी थिक नॉर वेरी थिन। और इससे क्या होता है ना अपेक्षा, अपने ब्रेड क्रम्स भी अच्छे से कोट होते हैं, और बहुत टिक्कियाँ बहुत क्रिस्पी बन जाती है। तो देखिए अपनी स्लरी रेडी हो गई है। तो अभी हमने जो स्लरी बनाई है, आई विल शो यू हाउ डू वी डू दिस। ये स्लरी में हम इसको डाल देंगे अपनी कटलेट को, इसको अच्छे से ऐसे कोट करेंगे दोनों साइड से, और ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, देखिए अपेक्षा, ना वेरी थिक ना वेरी थिन, पानी डाल के बस। तो इसको हम बना देंगे, दोनों साइड अच्छे से डिप कर देंगे, और अभी हम अपनी कटलेट को, यहाँ मैंने ब्रेड क्रम्स रेडी रखे हैं, उसमें डाल देंगे। सो इससे क्या कोटिंग हो जाती है, अपनी कटलेट बहुत क्रिस्पी बन जाती है। अच्छे से पूरा कोट कर देंगे इसको ऐसे दोनों साइड से, और साइड पे से भी, और इसको मिनिमम 15 मिनट्स तो फ्रीजर में रखना ही है, और अगर ज़्यादा टाइम है तो आप उसको 2 घंटे बना के भी फ्रिज में भी रख सकते हो, उससे टिक्कियाँ बहुत बढ़िया और शानदार कुरकुरी बन जाती है। तो अभी हमने टिक्की रख देंगे फ्राई करने के लिए, शैलो फ्राई करेंगे टिक्कियों को, और इसको स्लो टू मीडियम फ्लेम पे होने देंगे दोनों साइड अच्छे से। और देखिए तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, ये हमारी फ्रीजर में रखी हुई टिक्की है, 15 मिनट मिनिमम आपको रखना है। आप देख सकते हो कि इसकी न्यू पैकेजिंग कितनी बढ़िया है। तो अभी मैं इसमें से बर्गर निकालने वाली हूँ, हम इसको कट कर देंगे, देखिए अभी बन निकाल देते हैं, और आप देख सकते हो बन कितना बढ़िया है, और देखिए प्री स्लाइस्ड है, तो इतना कन्वीनियंट हो जाता है कटिंग, हमको कट ही नहीं करना पड़ेगा बन। तो अभी हम अपने बंस को ना थोड़ा सा हल्के से रोस्ट कर लेंगे, तो इसमें थोड़ा सा बटर डाल दूंगी, इसको अच्छे से ऐसे स्प्रेड कर दूंगी, और हम दोनों साइड जैसे बटर का दोनों ऐसे थोड़ा सा हल्के से क्रिस्प कर देंगे। कौन सी फ्लेम पे करेंगे? स्लो फ्लेम पे, जस्ट लिटिल बिट क्रिस्प करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो बस आपने क्रिस्पी कर दिया थोड़े से, मैं अब इसको निकाल दूंगी बंस को। ये 2 मिनट हो गए, अगर तेल अच्छे से आपका गर्म होगा तो ये टिक्कियाँ 4 से 5 मिनट में अच्छे से बन जाती है। तो अभी अपनी टिक्कियाँ रेडी हो गई है, तो मैं इसे गैस को बंद कर दूंगी, और अपनी टिक्कियाँ हम धीरे से निकाल देंगे। फिर इस पे थोड़ा सा बर्गर मेयो डालेंगे, थोड़ा सा टमाटो केचप, और मैं इसको अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी।
इसके ऊपर मैं एक चीज स्लाइस रखूंगी, फिर हमने जो अपनी कटलेट बनाई है वो डाल देंगे, फिर इसके ऊपर मैं डालूंगी टमाटर की स्लाइसेस, फिर दो प्याज की स्लाइस, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालूंगी, फिर इस पर थोड़ा सा बर्गर मेयो डालेंगे, वापस थोड़ा सा टमाटो केचप, इसके ऊपर हम वापस एक चीज स्लाइस रख देंगे। और अभी हमारा बर्गर रेडी हो गया, तो मैं इसको ऐसे प्रेस कर दूंगी यहाँ, और इसके अभी हम टूथपिक रख देंगे। तो देखिए मेरा बर्गर कितना बढ़िया से बन के आ गया है, और ये बन देखिए सब कुछ इतना अच्छे से होल्ड कर लिया है, और श्वेता बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है, मजा ही आ गया, बाजार से भी बढ़िया। देखिए यहाँ पे आलू टिक्की बर्गर श्वेता ने आपके लिए घर में बनाया अंडर 10 मिनट्स, आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए, घर वालों को भी खिलाइए। तो देखिए बन गया ना हमारा ये शानदार बर्गर। श्वेता आपने सही बोला था, अगर बन शानदार तो बर्गर शानदार, बर्गर शानदार। आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। जो दिखता है वो ही बनता है, जायका का तड़का। में मिलेंगे दोबारा, बाय बाय एवरीवन।